के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। हाई प्रोफाइल यूक्रेनी मॉडल डायरिया जेल से रिहा, एसटीएफ ने किया था गिरफ्तार। रेलवे बोर्ड के सदस्य ट्रैक्सन धनश्याम सिंह ने गोरखपुर मुख्यालय का किया निरीक्षण, रेल की उपलब्धियों एवं कार्य प्रणाली की किया समीक्षा बैठक। 9 और 10 जून को आयोजित रोजगार मेले की तैयारियां पूरी, सेवायोजन कार्यालय के उप निदेशक ने कहा विभिन्न कंपनियां उपलब्ध कराएंगी बेरोजगारों को रोजगार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 21 दिवसीय शिविर का हुआ समापन, वक्ताओं ने संघ के उद्देश्य पर डाला प्रकाश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, कहा कार्यों में लापरवाही नहीं होगी क्षम्य। कैंट थाना परिसर में नवनिर्मित जनप्रसाधन केंद्र का एडीजी ने किया लोकार्पण, कहा थाने में आने वाले फरियादियों और पुलिस कर्मियों को मिलेगी सुविधा। यूपी पोस्टल कोऑपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि पद का चुनाव हुआ संपन्न, अरुण कुमार ने शानदार जीत की हासिल, कुछ वोटरों ने इस चुनाव का किया विरोध। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर गोरखपुर जिला चिकित्सालय की तरफ से आयोजित किया गया रक्तदान जागरूकता गोष्ठी, सीएमओ ने कहा दूसरों की जरूरतों के समक्ष ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें लोग। पूर्वांचल बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान पेंशन मिलने के फैसले से सेवानिवृत्त कर्मचारियों में खुशी की लहर, 10 जून को मनाएंगे विजय उत्सव। भारतीय जनता पार्टी समन्वयन समिति की बैठक हुई संपन्न, पार्षदों की शिकायत पर सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने नगर आयुक्त को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भीषण गर्मी से बचने के लिए तरणताल में लुत्फ उठा रहे हैं लोग, कुशल प्रशिक्षकों से खिलाड़ी ले रहे हैं प्रशिक्षण। हड़ताल को मिले बल, इसके लिए आशा कार्यकर्त्रियों का हौसला बढ़ा रही है पार्टी की अन्य आशा बहुएं। रमजान माह में चौथे जुम्मे की मस्जिदों में नमाजियों ने अदा की नमाज। अपर जिला सूचना अधिकारी के पद पर अंजनी कुमार मिश्र ने किया कार्यभार ग्रहण। गोरखपुर सब जूनियर लीग में टीएनएम एकेडमी ने देवरिया क्रिकेट क्लब को 2 विकेटों से हराया। और गोरखपुर क्रिकेट लीग में एनईआर वर्कशॉप ने अक्की स्पोर्ट्स एकेडमी को 2 विकेटों से दी मात।